गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टूडे आई विल डिस्कस विद यू फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द कमोडिटी. एज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, वन इज नेसेसरी, सेकेंड इज कम्फर्ट एंड थर्ड इज लग्जरी. सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द कमोडिटी और नेचर ऑफ द कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल लाइक सॉल्ट, कैरोसिन, मैच बॉक्स, it is less than unity or inelastic. Like salt, kerosene, these are day to day product which are very important for us. So in these commodities demand is less than unity or inelastic. इसका मीन्स क्या है? इन इलास्टिक डिमांड हमने की थी कि इन इलास्टिक कब होती है, जब एक तो होती है इलास्टिक के प्राइस के थोड़े से वेरी करने से या ना वेरी करने से हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. लेकिन इन इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस कम हो अधिक हो डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नेसेसरीज कमोडिटीज़ हैं जो हम डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हैं उनके प्राइस के वेरी होने से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. सो अगर हम बात करें लग्जरीज प्रोडक्ट की, तो लग्जरी में क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटी. मींस क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ दीज गुड्स हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देयर डिमांड. लग्जरी प्रोडक्ट क्या होती हैं, एयर कंडीशनर, गोल्ड, डायमंड, अगर हम इनकी बात करें तो इनके थोड़े से प्राइस के भी कम होने पर हमारी डिमांड क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है. तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी. सो ये हमारी इलास्टिसिटी है और ये हमारी कमोडिटीज है, आपस में दोनों क्या है, कोरिलेटेड है. मींस इनमें क्या है, आपस में एक रिलेशनशिप है. देन नेक्स्ट टॉप पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट गुड्स मीन्स द गुड्स विच कैन बी यूज एट द प्लेस ऑफ वन अनदर. सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं, जिन्हें हम एक प्रोडक्ट की जगह पर दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं अगर वो मार्केट में अवेलेबल हो. लाइक टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक, दीज आर सिमिलर प्रोडक्ट. तो सब्सटीट्यूट का मीनिंग क्या है, अगर हमें क्या है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हम क्या कर देते हैं, दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं. इससे हमारी जो डिमांड है वो क्या कर देती है, इलास्टिक हो जाती है, वेरी कर जाती है. देन गुड्स विद डिफरेंट यूजेस. एक कॉमोडिटी है लाइक मिल्क, उसे हम कितने सारे प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इससे हमारी डिमांड बहुत क्या होती है, वेरी करती है. देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमें पता है कि इनकम अधिक होगी तो हमारी डिमांड भी अधिक होगी. बट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, बिकॉज इन्फीरियर गुड्स और गिफ्ट गुड्स में तो इसके अपोजिट होता है. इन्फीरियर गुड्स मीन्स क्या होती है, चीप प्रोडक्ट, उनके केस में हम इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड को इंक्रीज नहीं कर देते, हम उसको क्या कर देते हैं, बल्कि कम कर देते हैं. क्योंकि हमें क्या लगता है कि हो सकता है प्रोडक्ट क्या हो, चीप हो, घटिया क्वालिटी का हो. देन पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, इसमें भी यही बात की गई है, पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज. अगर हम यूज किसी और चीज के लिए करना था लेकिन हम उसको क्या कर दिया, किसी और यूज के लिए पोस्टपोन कर दिया. देन अपने को हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, हमें पता है कि कंज्यूमर की हैबिट से भी जो डिमांड है बहुत वेरी करती है. हाउ, लाइक सिगरेट, सिगरेट ड्रिंक, दीज आर दी हैबिट्स. सो दीज हैबिट्स अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन प्राइस लेवल, एज वी नो दैट प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, सो इट अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन टाइम, टाइम फैक्टर इज ऑल्सो, बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कंज्यूमर ऑल्सो इफेक्ट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन ज्वाइंट कमोडिटी और ज्वाइंट डिमांड, हमें पता है ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, जब हम दो चीज़ों को, दो कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं डिमांड, लेकिन हम एक ही फुलफिल करते हैं, तो इससे भी हमारी क्या होती है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक हो जाती है, चेंज हो जाती है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने ये बात कर ली है कि इनकम इलास्टिसिटी का मीन्स क्या होता है, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में किया था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड का चेंज होना, तो ऐसे ही हमने क्या किया था, इनकम के चेंज होने से डिमांड का चेंज होना. बट हमने ये बात की थी कि जो इनकम है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज नहीं होती, डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है. बिकॉज हमारी क्या है, कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है बाइंग, वो इंक्रीज हो जाती है तो हम ज्यादा प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं. बट ये ओनली सुइटेबल है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, बिकॉज
इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। बिकॉज इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जब प्राइस हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हम डिमांड को भी डिक्रीज कर देते हैं। बिकॉज ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारी मेंटल एबिलिटी है कि हम क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि प्रोडक्ट क्या हो, चीप क्वालिटी का हो, तो ही तो इसका प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। सो इसका मीनिंग क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट रहती हैं, अगर सिर्फ अफेक्ट करता है कुछ तो वो क्या करती है, इनकम करती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इट कैन बी सॉल्व विद एन फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज का मीनिंग क्या है, जो मैंने आपको बात अभी बताई है कि इसमें नॉर्मल गुड्स में ये होता है, इनफीरियर गुड्स में, यही सब डिग्रीज में पढ़ेंगे हम आगे। फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव मींस क्या है, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स वेरीज विद चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स इन पॉजिटिव रिलेशनशिप। मींस क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव इनकम मींस क्या है, अपना क्या हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हुई, तो रिलेशनशिप यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव शो हो रहा है। ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, जैसे हमने प्राइस में किया था वो सेम केस है, इसको बार बार एक ही बात को बताने की जरूरत नहीं है। बस तुमने क्या याद रखना है कि पॉजिटिव मीनिंग क्या है, इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड भी इंक्रीज हुई। मगर हमें यह बात भी याद रखनी है कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ओनली किस केस में होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव इनकम। नेगेटिव मींस अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, डिमांड अब क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। बिकॉज ये कौन सा केस है, ये है इन्फीरियर और गिफन गुड्स का केस। उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव एंड इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अकॉम्पेंड बाय फॉल इन डिमांड, या डिक्रीज इन इनकम इज फॉलोड बाय राइज इन डिमांड। इट रेफर्स टू इन्फीरियर गुड्स ऑल्सो कॉल्ड गिफन गुड्स। हमने क्या किया, इनकम तो क्या हुई थी हमारी, प्राइस इनकम क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, लेकिन इनकम के इंक्रीज होने से हमारी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, हमने पहले से क्या कर दिया, कम प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया। देन जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो क्या होता है, जब कोई भी इनकम में चेंज आने से हमारी डिमांड क्या रहती है, कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो हम इस क्या कह सकते हैं, नो रिलेशन मीन्स जीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो ये क्या थी, 3 डिग्री थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी और जीरो थी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस क्या होता है, जब आपस में दो चीज़ें क्या कर जाती हैं, एक दूसरे से क्रॉस कर जाती हैं। देयर इज ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ टू रिलेटेड गुड्स। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मीनिंग ही क्या है, मैंने क्या कहा है कि दो कमोडिटीज आपस में क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। तो वो कौन सी कमोडिटीज होती हैं जो क्रॉस कर जाती हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री, वो ही है ना, प्राइस तो नहीं डिमांड से क्रॉस करेगा कभी भी। सो क्रॉस इलास्टिसिटी के आगे क्या है, मेजरमेंट, प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। मींस क्या है, कमोडिटी एक्स की अगर क्वांटिटी चेंज हुई है तो वह उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से हुई है। लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, तो हमने क्या कर दिया, कॉफ़ी लेना स्टार्ट कर दिया, टी को हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेयर मीन्स दैट इलास्टिसिटी रेफर्स टू दैट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड विच आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू प्राइस और इनकम, दीज आर अफेक्टेड ड्यू टू अनदर कमोडिटीज कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री का मीनिंग क्या है, क्रॉस मीन्स क्या है, दो कमोडिटीज आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन ए गिवन परसेंटेज राइज इन प्राइस ऑफ गुड विल लीड टू गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर गुड। मैंने आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं उनमें रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, वाइल कंप्लीमेंट्री में नेगेटिव होता है। अब हम क्या कहते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं उनमें रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है कैसे, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड किसकी बढ़ी है, कॉफ़ी की बढ़ी है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम बात करें कंप्लीमेंट्री की, उसमें क्या है, नेगेटिव है।
बिकॉज कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, डिमांड हमारी एक पूरी होती है, कॉमोडिटीज़ हम दो यूज़ करते हैं। अगर हमें पता है कि दो कॉमोडिटीज़ को यूज़ करके हमारी डिमांड तो एक ही फुलफिल होनी है, तो अगर हम उन दोनों में से एक कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड तो खुद ही डिक्रीज़ हो जाएगी ना, बिकॉज हमने ओवरऑल रिजल्ट को चेक करना है। तो हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, वाइल्ड कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड टॉपिक इज जीरो। जीरो मीन्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वो कॉमोडिटीज, अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक वीट एंड क्लॉथ। अगर हम करें कहें कि वीट के प्राइस को राइज कर दो, क्लॉथ की डिमांड कर, ये क्या है, ये तो एक अनरिलेटेड प्रोडक्ट है, इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक्स।